अभी शुरू होने वाली है, मुझे जानता नहीं अंदर क्या होता है, ये मेरा पहला साल है, बट वोग इज़ एस्टैब्लिशमेंट सच ए रेप्यूटेबल मैगजीन और अनाइटा इज़ वेरी डियर फॉर मी, तो मैं उसके बुलावे पे आया हूँ एंड होप इट बी अ फन नाइट। क्या स्टैंडर्ड है आपकी क्या? बहुत स्टैंडर्ड्स है, यू नो मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिस्ट, कपड़ों के स्टाइलिस्ट, डर्माटोलॉजिस्ट, प्रोटीन ट्रीटमेंट, ट्रेनर्स, जो आपको दिखता है ये सब की कुल मेहनत जब रंग लाती है तब हम दिखते हैं, तो इसके पीछे बहुत लोग हैं। फैंस को क्या आप टिप्स देना चाहेंगे? किसको? फैंस को अगर फिट रहना है तो क्या टिप्स देना चाहेंगे? फिट रहना है तो मतलब आई थिंक हैप्पीनेस इज़ फिटनेस, जो आपको खुश करता है। आई थिंक ये जो एक नया दौर आया है कि सबको सिक्स पैक बनाने का, एट पैक बनाने का, उससे खुशी जाहिर नहीं होती। अच्छा खाना खाओ, अच्छा यू नो 8-10 घंटे सो और एक बी अ हैप्पी पर्सन, आई थिंक दैट्स व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। सॉरी, यस, व्हाट अबाउट इट? ओह ओके, इट्स क्रिस्टियन डियोर गिवन बाय अनाइटा। या जब काम नहीं होता तो फुटबॉल होता है, ये पूरा साल मैंने इतना काम किया नहीं है, सो ऑफकोर्स फुटबॉल बी माई फर्स्ट लव, तो अच्छा मौका मिल रहा है और उसके नतीजे पे यू बिकम फिट ऑल्सो। हाँ लेकिन वो टीम बहुत वीक थी, वो कोई भी 5 गोल कर देता, तू भी कर देता, फिर बाबा रामदेव भी आए थे और उनका तो यूनिफॉर्म भी नहीं होता, स्टड्स भी नहीं होते, सो या काफ़ी आसान गेम था। मच मच मेरे ज़िंदगी का भी मच अवेटेड फिल्म है, अभी कुछ करीबन 3 साल हो चुके हैं कि फिल्म बनते बनते, बहुत ही स्पेशल फिल्म है, बहुत ही अलग फिल्म है, बहुत ही डिफ़िकल्ट फिल्म है, लेकिन आई थिंक जो अनुराग बासु है, जो उसकी जो जान है, जो उसकी जो सोच है, नज़रिया है, जो उसका दिल है, वो तो हमेशा एक फिल्म बनाते उसके पीछे एक सोच होती है, उसके पीछे एक ऐसी इमोशन आपको महसूस होता है जहाँ आपकी आँखों में आंसू होंगे और आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। आई थिंक फिल्म बनने में टाइम लगता है, हम फिल्म ऐसे नहीं बनाते कि अभी एक्टर्स को 4 महीने डेट्स में उसमें ख़त्म कर लो, सो वी ट्राई टू मेक एन अमेजिंग फिल्म एंड आई होप कि जब ऑडियंस इस फिल्म को देखें उनको पसंद आए। आई थिंक ये फिल्म अगले साल अप्रैल को रिलीज़ होगी क्योंकि ऐदन मुश्किल अभी दिवाली में रिलीज़ हो रही है, जाहिर सी बात है कि एक एक्टर की 2 फिल्म इतनी जल्दी नहीं आ सकती, तो अगले साल अप्रैल आएगी। नहीं जी, मैं अभी फ़िलहाल मेरे दादी के साथ रह रहा हूँ चेंबूर में, मैं अक्टूबर में शिफ्ट हूँ। आपको बुलाने का? नहीं, हाउस वार्मिंग तो मतलब अभी इतने घर हो गए मेरे पिछले साल, तो और हाउस वार्मिंग पार्टीज़ की नौबत ही रही। जी थैंक यू। फॉर मोर न्यूज़ एंड गॉसिप डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू बॉलीवुड हेल्पलाइन।